हम सबको अब बस यही स्मरण रखना है कि आज भले ही महादेव ने अपस्मार का दमन किया हो, तब भी ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब भी इस संसार में या हमारे जीवन में अज्ञानता की या अंधकार की भावना होगी, ये हम सब पर निर्भर करता है कि हम किसका चयन करते हैं, शिव का या अपस्मार का, प्रेम का या अज्ञानता का। हटराज का ये रूप इस संसार को सदा के लिए यही ज्ञान देता रहेगा। नटराज के इस रूप को मेरा शत शत नमन। नटराज द्वारा अपस्मार का दमन करके कृष्ण ने मेरी पूर्ण योजना को चौपट कर दिया है। अब राधा को भी स्मरण हो गया है कि कृष्ण उससे कितना प्रेम करता है। धैर्य रखे आचार्य, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ। ये तो सच हो ना तुम? अब तुम दोनों क्या करने वाले हो? अब थोड़े समय की प्रतीक्षा करिए आचार्य, आप स्वयं समझ जाएंगे। राधा, क्या हुआ देवी? आप चिंतित लग रही हैं। नहीं राधा, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये कहने आई थी कि आज तुमने बहुत परिश्रम किया है, अब तुम्हें विश्राम करना चाहिए। कल प्रातः हमें नवमी की पूजा भी तो आरंभ करनी है। रुकिए माता, राधा हमने किसी की पुकार सुनी। ये गणेश की ध्वनि है, उन्हें अपनी माता का स्मरण है। गणेश पुत्र, तुमने मुझे कैसे स्मरण किया? माता, नवरात्रि में आपके जिन नौ रूपों की पूजा होती है, उसमें एक रूप देवी स्कंद माता का भी है, अर्थात ज्येष्ठ कार्तिकेय की माता के रूप में आपको पूजा जाता है। सब जानते हैं माता कि ज्येष्ठ कार्तिकेय आपसे कितना प्रेम करते हैं। ये संसार कैसे जानेगा कि मैं अर्थात गणेश अपनी माता से कितना प्रेम करता है, और मेरी माता भी मुझसे कितना प्रेम करती हैं। गणेश पुत्र, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि आज का दिन संसार मुझे तुम्हारी अर्थात गणेश की मां के रूप में पूजेगा। आपने मुझे शुभता का प्रतीक माना है, तो आज मैं भी ये घोषणा करता हूँ कि माता का ये स्वरूप अत्यंत मनमोहक होगा, जिससे समस्त संसार प्रकाशमय है। माता के स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्या, प्रदायिनी और चैतन्या के नाम से भी जाना जाएगा। अष्टमी के दिन माँ गौरी की विधि विधान से पूजा करने से सुख समृद्धि और यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। बोलिए जय माँ महागौरी। जय माँ महागौरी। गणेश, अब तो तुम्हारी चिंता मिट गई ना? हाँ माता, धन्यवाद, अब मैं सुखी होके निद्रा ले सकता हूँ। मैं शीघ्रातिशीघ्र महल पहुंचकर सभी को सभा में बुलाना होगा। अपस्मार को परास्त करने के पश्चात महादेव विश्राम अवस्था में होंगे, वो हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमें ही शीघ्रातिशीघ्र राधा और अन्य सभी स्त्रियों को ढूंढना होगा। महादेव ने अपने नटराज स्वरूप में अपस्मार का दमन तो कर ही दिया है ना?
इसका अर्थ है कि राधा और अन्य सभी स्त्रियों को भी स्मरण हो ही गया होगा ना कि हम सब उनसे कितना अधिक प्रेम करते हैं और उन्हें दुखी नहीं देखना चाहते। दाव अपस्मार की शक्तियां केवल निष्क्रिय हुई है, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं, और इसीलिए सभी स्त्रियों पर अभी भी उसका प्रभाव है। हमें शीघ्र ही उन्हें ढूंढना होगा। सोचिए ना, वो कितनी प्रसन्न होंगी हमें देख के। नहीं हाँ, ये तो तुमने उचित कहा, किंतु हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे और कहाँ? इससे पूर्व भी तो मैं और साम मिलकर उन्हें ढूंढने का प्रयास कर चुके हैं, किंतु राहु और केतु ने हमारा मार्ग ही भ्रमित कर दिया था। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक दिव्य नृत्य करें। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं अवश्य ही नृत्य करूंगा गौरी। देवी, क्या हुआ? आपके नेत्रों में ही अश्रु? राधा, मैं जानती हूँ कि मैंने ही ये सुझाव दिया था कि हम स्त्रियों को हमारे लिए एक नए संसार का निर्माण करना चाहिए, जहाँ पुरुष हम तक कभी ना पहुँच पाए और हमें दुख ना दे पाए। परंतु राधा, आज आत्ममंथन करने के पश्चात मुझे ये आभास हो रहा है कि मेरे दुख का कारण तो महादेव है ही नहीं। उन्होंने तो प्रत्येक प्रयास किया है कि मैं प्रसन्न रहूं। देवी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपने मेरे मन की बात सुन ली हो। कृष्ण ने भी मेरी प्रसन्नता के लिए क्या कुछ नहीं किया, और मैं सदैव यही सोचती रही कि कृष्ण ने मुझे कितना दुख दिया है, किंतु ये सत्य नहीं है। उसने सदैव मुझे मनाया है जब जब मैं उससे रुष्ट रही हूँ, अत्यंत प्रेम से। और सत्य तो ये है कि कृष्ण से अलग होकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। प्रत्येक क्षण मुझे कृष्ण का स्मरण है, मुझे भी महादेव का स्मरण हो रहा है, परंतु अब हम क्या करें? देवी, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि प्रत्येक स्त्री में वो शक्ति है कि वो दुर्गा बन सके, तो हमें अपनी इस भूल को सुधारना होगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दशमी तक कृष्ण को इस देवी पूजा में ला कर रहूंगी। राधा और कृष्ण एक होंगे। राधा, मेरे भी नेत्र तरस गए तुम्हें और कृष्ण को एक साथ देखने के लिए, परंतु कहाँ है कृष्ण? हम सभी पुरुष स्वयं को कितना भी अधिक शक्तिशाली क्यों ना समझ लें, बिना स्त्री की शक्ति के हम कुछ भी नहीं है। इसलिए आज हम सभी वचन लेंगे कि जब तक हम हर एक स्त्री को ढूंढ नहीं लेते, हम रुकेंगे नहीं। हम सभी को ढूंढते रहेंगे। हम सब तुम्हारे साथ ही हैं काना। हाँ पिताश्री। राधा को ढूंढने चला है, और ये दोनों हैं कि आचार्य, कृष्ण की कुंडली देख के आपको ज्ञात तो हो ही गया होगा ना कि मैं और केतु क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं देख सकता हूं कि तुम दोनों सबसे शक्तिशाली काल सर्प योग दोष का कृष्ण की कुंडली में निर्माण कर रहे हो, जो कृष्ण के जीवन में सबसे बुरा काल ले आए। एक ऐसा काल जिसके कारण राधा और कृष्ण कभी एक नहीं हो पाएंगे। राधा भी नहीं। क्या सोच रहे हो का? हमें शीघ्र राधा को ढूंढना होगा। था समय शीघ्र ही हमारे विरुद्ध होने को है।